Hi guys, I'm Dr. Rajat. आज दिखाना चाहूंगा डिजिटल फुल माउथ स्माइल मेकओवर, एक ऐसा केस जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया और हमने एक एक स्टेप्स फॉलो किया टू गेट अ शानदार स्माइल। अब पूरा का पूरा स्टेप्स पूरे के पूरे जो दिखाना चाहूंगा कैसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया। अब दिस वॉज द केस, बोन बहुत कम थी, आप देख सकते हैं। साइनस वॉज ऑन द क्रेस्ट, जाइगोमेटिक इम्प्लांट प्लेस किए हमने और यहाँ पे देख सकते हैं 6 इम्प्लांट प्लेस की, बहुत कम बोन थी। और फिर उसके बाद CBCD इवैल्यूएशन के बाद पता लगता है कि हाउ यू स्टार्ट द केस। डायकॉम फाइल्स प्रिंट करके देख सकते हैं प्लानिंग, फिर उसके बाद क्या था, हमने गाइड्स प्रिंट करा दी। अब ये गाइड्स बहुत हेल्प करती हैं फुल माउथ इम्प्लांट्स के लिए, गाइडेड इम्प्लांट्स में ट्रॉमा और प्लानिंग ज़रूरी होती है। उसके बाद आप देख सकते हैं दिस वॉज अ प्री ऑप स्माइल। तो हमने क्या था, हमने डेंचर रेडी किए, देख सकते हैं इंटर आर्ट स्पेस, इंटर ऑक्लूजल स्पेस, अच्छा पैपिला। और उसके बाद दिस वॉज अ लोअर और फिर उसके बाद हमने रिम्स बनवाए, फेस वो बहुत ज़रूरी है लेना फॉर किसी केस के लिए, आपको ऑक्लूजन पता लगता है। और उसके बाद फिर क्या था, प्रोसीड करवा दिया टीथ सेटिंग ट्रायल। अब इसके बाद पेशेंट ने जब कहा हाँ तो हमने फिर इम्प्लांट प्लेसमेंट शुरू किया। दिस वॉज अ केस फॉर इम्प्लांट, डाले अपर में 4 इम्प्लांट्स, लोअर में 6 इम्प्लांट्स और एक सुंदर पैपिला, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी हीलिंग के साथ। और यहाँ पे जब सर्जिकल प्लानिंग के बाद इम्प्लांट प्लेसमेंट और देख सकते हैं। और उसके बाद फिर दिस वॉज अ रिजल्ट, वी गेव द पेशेंट द टेम्प्रेरी आफ्टर थर्ड डे, देख सकते हैं 4 इम्प्लांट्स और 6 इम्प्लांट्स और यहाँ देख सकते हैं एक हाइब्रिड प्रोसेस। एंड उसके बाद फिर पेशेंट ने दोबारा से विजिट किया आफ्टर 4 मंथ्स और उसके बाद फिर हमने दोबारा से टीथ सेटिंग ट्रायल लिया और फिर उसके बाद नए रिम्स के साथ ही सेटिंग कुछ मॉडिफिकेशंस किया बिकॉज टिश्यू हील हो चुका था, देख सकते हैं। उसके बाद अच्छा ऑक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटोटाइप ट्रायल टू द ऑक्लूजन के बाद एक इंपॉर्टेंट स्टेप है और बहुत हेल्पफुल करता है। आपको मिड लाइन, आपको शेप कॉन्टोर देखना होता है, देख सकते हैं दिस इज़ लेफ्ट और राइट 4 इम्प्लांट्स और देख सकते हैं और यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है नीचे के 6 इम्प्लांट्स और एक अच्छे पैलेटल प्लेसमेंट। और उसके बाद फ्रेमवर्क ट्रायल क्रोमियम कोबाल्ट का होता है सिरामिक लेयरिंग के साथ, आपको बाइट लेनी होती है और ये जो बाइट होती है ये पैटर्न रीजन से हम लेते हैं तो आपको इसकी फिटिंग भी पता लगती है। यू कैन ऑल्सो टेक एक्सरेज टू सी द पैसिविटी ऑफ दिस। उसके बाद फिर प्रोसीड किया, फिर उसके बाद देख सकते दिस वॉज हाउ वी डिज़ाइन द होल केस। और ये ऑक्लूजन था फुल माउथ इम्प्लांट्स का, देख सकते हैं बहुत अच्छा ऑक्लूजन लेफ्ट एंड राइट, एक मिड लाइन के साथ अच्छा बैलेंस ऑक्लूजन। तो देख सकते हैं दिस वॉज द ऑक्लूडेड स्माइल। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपको प्लानिंग करना किस भी इम्प्लांट के केसेस के लिए। अब दिखाना चाहूँगा इस केस का ऑक्लूजन जो लेफ्ट एंड राइट है, यू कैन जस्ट सी हैव अ लुक, इतना प्यारा ऑक्लूजन और सारे के सारे दांत जो है। तो फुल माउथ इम्प्लांट में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एक अच्छा ऑक्लूजन देना अच्छे इम्प्लांट प्लेसमेंट के साथ। तो भी मैंने बोला है एक एक स्टेप्स आपको फॉलो करना, एट द सेम टाइम यू कीप प्लानिंग फॉर यू नो दीज केसेस। तभी मैंने बोला है कि फुल माउथ इम्प्लांट्स में यू डोंट मिस अ सिंगल स्टेप, बिकॉज एक भी अगर आप स्टेप मिस करेंगे यू मिस द होल ट्रैक। सो इसीलिए चाहे आपको ट्रायल लेना है या लैब के साथ कम्युनिकेट करना है या प्रोटोटाइप ट्रायल लेना है, और सबसे ज़रूरी चीज़ मैंने आपको बोला है फुल माउथ इम्प्लांट्स में यू शुड बी गुड एट मेकिंग डेंचर्स। मैंने जैसे बोला है कम से कम 200 डेंचर्स बना चुके अगर आप हैं तो फुल माउथ इम्प्लांट्स करिए, नहीं तो आप ज़रूर ऐसे केसेस में फंस सकते हैं। मैंने बोला है आपको पट्टी इंडेक्स ले सकते हैं, टूथ सेटिंग ट्रायल पहले होना चाहिए, ऑक्लूजन पेशेंट का इंटर ऑक्लूजन डिस्टेंस कितना है, वर्टिकल रिलेशन एट ऑक्लूजन, वर्टिकल डायमेंशन एट ऑक्लूजन लेना बहुत ज़रूरी है। आपको पता लगेगा प्लानिंग के साथ ऐसे रिजल्ट में यू गेट सम फैंटास्टिक रिजल्ट्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ट्रू पेशेंट फीडबैक, ट्रू पेशेंट केसेस और शानदार फुल माउथ इम्प्लांट्स।